हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। मैं रवि मावी, आपका दोस्त, रोज की तरह फिर निकलने के लिए आज फिर तैयार हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको ले जाऊंगा महादेव जी का बहुत बड़ा मंदिर है, जिसकी बहुत बड़ी मान्यता है। सावन के महीने में हरिद्वार से कांवड़िया जो आते हैं, वहीं पे लाके जल चढ़ाते हैं, बहुत बड़ी संख्या में वहाँ जल चढ़ाते हैं। आज 14 जुलाई है दोस्तों, कल 15 जुलाई को जल चढ़ना है। तो दोस्तों, आज मैं निकल रहा हूँ और आपको दिखाऊंगा इस मंदिर की कितनी मान्यता है और कितनी बड़ी संख्या में वहाँ कांवड़िया आए हुए हैं। दोस्तों, ये लगभग दिल्ली से, दोस्तों ये दिल्ली से लगभग 70 किलोमीटर पड़ता है, और ये पता नहीं डिस्ट्रिक्ट कौन सा लगता है, डिस्ट्रिक्ट मेरठ लगता है या कौन सा लगता है, अभी कन्फर्म नहीं है। तो दोस्तों, मैं आज आपको दिखाऊँगा। हेलो फ्रेंड्स, हम निकल चुके हैं, मैं, मेरा दोस्त अरुण खारी, आज पूरा महादेव के लिए निकल चुके हैं। आज आपको दिखाएंगे पूरा महादेव पे, जो कांवड़ियाँ आते हैं, जो वहाँ इतने श्रद्धालु आते हैं और जल चढ़ाने, वहाँ की इतनी मान्यता है पूरा महादेव मंदिर की, आज दिखाएंगे दोस्तों आपको। दोस्तों, ये देखिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ से गाड़ी अंदर नहीं जा रही है। अभी मंदिर यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर है, और यहाँ पे ये पुलिस वालों ने बैरिकेड लगा दिए हैं, यहाँ से बिल्कुल जाने नहीं दे रहे हैं, यहाँ से गाड़ी की एंट्री नहीं है। देखिए, यहाँ से गाड़ी की एंट्री नहीं है बिल्कुल, यहाँ से ई रिक्शा जाती है, गाड़ी बिल्कुल नहीं जा रही है। ये देखिए दोस्तों, गाड़ी बिल्कुल अंदर जाना, गाड़ी बिल्कुल मना है, गाड़ी अंदर नहीं जा रही है। ये बोले आए हुए हैं, ये बताएंगे, गाड़ी नहीं जाने दे रहे अंदर। आप जानते हैं, आप कहाँ से बोले? दिल्ली से। कौन सी जगह से? मंडोली से। ये भी दिल्ली से ही है, तो बोले वाले अंदर बैठे हैं। अच्छा, चला नहीं जा रहा, पाँव में छाले हो रहे हैं। अच्छा, गाड़ी नहीं जाने दे रहे, हम सवारी थोड़े डोले, हम तो अपने भोले भोले नहीं जा रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम आपको दिखाएंगे और आगे का दिखाएंगे मंदिर। अब हम पहुंचना है, ई रिक्शा से बैठ के जाएंगे, गाड़ी नहीं जाने दे रही है। यहाँ पुलिस वालों ने बिल्कुल रोका हुआ, किसी गाड़ी की कोई एंट्री नहीं है, कोई एंट्री नहीं है किसी गाड़ी की, ओनली टू व्हीलर अंदर जा रहा है। और मैं आपको दिखाऊँगा, मैं रवि मावी आपके साथ, अभी मैं आपको मंदिर का पूरा दिखाऊँगा। ओनली टू व्हीलर की एंट्री है, गाड़ी की कोई एंट्री नहीं है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोई ई रिक्शा वगैरह भी नहीं जाने दे रहे, ओनली टू व्हीलर। और यहाँ पे जो गांव के लोग हैं, बाइक ले लेके आ रहे हैं, बाइक पे बिठा के ले जाके छोड़ रहे हैं, और बाइक पे बिठा बिठा के छोड़ रहे हैं, यही अपना 20 रुपये सवारी मंदिर तक, 20 रुपये सवारी बिठाते हैं, बाइक वाले लड़के खड़े हुए हैं, देखो ये आ रहे बाइक ले लेके, और ये बाइक पे ऐसे छोड़ रहे हैं यहाँ से। और परिसर में किसी अनजान वस्तु को न छुएं तथा पुलिस कंट्रोल रूम को सूचित करें। जिंदे नदी का पानी पीने व स्नान करने योग्य नहीं है। आपकी यात्रा पॉलिथीन हो गया, अन्य सामान का प्रयोग न करें। मेला परिसर में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। अपने पर्स, मोबाइल एवं कीमती सामान का स्वयं ध्यान रखें। मेला परिसर में दोस्तों, यहाँ पे मंदिर पे अब हम आ चुके हैं। देखो, मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ मंदिर, आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से। दोस्तों, मंदिर पे बिल्कुल आ चुके हैं अब हम। यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में कांवड़िया आए हुए हैं, बहुत बड़ी संख्या में। यहाँ पे बहुत भीड़ है, बहुत रश है,
बड़ी संख्या में, ये दूर से आपको मंदिर के दर्शन कर, दूर से अभी दिखा रहा हूँ आपको, ये मंदिर है और यहाँ पे जल चढ़ाते हैं, यहाँ पे कांवड़िया हरिद्वार से आके जल चढ़ाते हैं, दिल्ली तक के लोग यहाँ जल चढ़ाते हैं, क्यों यहाँ का जल माना जाता है, यहाँ का, यहाँ अगर जल चढ़ जाता है तो यहाँ का जल पूर्ण होता है, ऐसा बोला जाता है कि यहाँ जल चढ़ा देते थे पूर्ण होता है। देखिए दोस्तों ये गेट मंदिर का, देखिए दोस्तों इस मंदिर की विशेष बात ये है कि यहाँ पे भगवान भोलेनाथ यहाँ जल स्वीकार करते हैं, जैसा लोगों का मानना है, लोगों का कहना है, यहाँ पे जल चढ़ता है तो इस जल को स्वीकार करते हैं भोले बाबा, सबसे पहले स्वीकार करते हैं। और दोस्तों ये देखिए भोले यहाँ पे आ चुके हैं, भोले यहाँ आराम कर रहे हैं, आ चुके हैं कांवड़िया, सारे कांवड़िया आ चुके हैं, कुछ और आज आ जाएंगे रात को, आ चुके हैं यहाँ आराम कर रहे हैं और कल यहाँ जल चढ़ाएंगे तब अपने घर जाएंगे। ये देखिए भाई साहब यहाँ के निवासी हैं, भाई साहब कुछ कहना चाहोगे? घड़ी चश्मे की दुकान लग रही है सर। अच्छा घड़ी चश्मे की दुकान लगा रखी है आपने, यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा यहीं के रहने वाले हैं, तो आपको कैसा लगता है जो भोले वहाँ से परेशान, हरिद्वार से मतलब परेशान नहीं कहूँगा, जो अपना पूर्ण कर लेते हैं, अपनी यात्रा पूर्ण कर लेते हैं, सफल कर लेते हैं, उनके बारे में क्या कहूँ? बहुत अच्छा लगता है सर, बहुत अच्छा लगता है। एक यहाँ पे आके कुछ अलग फीलिंग होती है, अलग होता है, अलग फीलिंग होती है, खुशी होती है। ये भाई साहब यहाँ क्षेत्रीय निवासी और इनकी ये देखिए घड़ी चश्मे की दुकान है और बहुत अच्छे लगे हैं भाई साहब ये हमें। ये देखिए दोस्तों बहुत बड़ी संख्या में, बड़ी संख्या पे यहाँ पे कांवड़िया आए हुए हैं, पूरा महादेव मंदिर बड़ी संख्या में आए हुए हैं कांवड़िया। और यहाँ पे ये देखिए दिखा रहा हूँ आपको, बड़ी संख्या में आए, आज यहाँ ये आज 14 जुलाई है, रेस्ट कर रहे हैं, कल 15 जुलाई का जल है जो जल चढ़ाना है, भोले बाबा की पिंडी है, यहाँ पिंडी पर जल चढ़ाना है, ऐसा मानना है कि यहाँ पूरा महादेव क्या बहुत ही ज़्यादा मानता है, यहाँ की दूर दूर के लोग यहाँ जल चढ़ाते हैं, यहाँ जल चढ़ाते हैं दूर दूर के लोग। और यहाँ का पुलिस प्रशासन बहुत एक्टिव है, पुलिस प्रशासन बहुत एक्टिव है यहाँ का। और ये देखिए दोस्तों बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में कांवड़िया आए हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं बोले? बोले इकड़ी से, हम ग्राम इकड़ी से, इकड़ी इकड़ी इकड़ी। अच्छा आप यहाँ जल चढ़ाते हो? हाँ जी पूरे महादेव। यहाँ की मान्यता अच्छी मानते हो आप? अच्छी अच्छी, यहाँ की मान्यता सबसे ज़्यादा। देखिए दोस्तों यहाँ पे जैसे मैं बोल बताया मैंने, बोले यहाँ आए हुए कांवड़िया आए हुए यहाँ पे जल चढ़ाते हैं और इनको ये यहाँ की मान्यता ज़्यादा मानते हैं। ये देखिए दोस्तों ये देखिए दोस्तों यहाँ पे आए हुए बाबा, बाबा भोले आए हुए, बाबा नमस्कार, बाबा कहाँ से आए हैं आप? मुजफ्फरनगर से, हरिद्वार से आए हैं जल्दी। नहीं हरिद्वार से, मुजफ्फरनगर से हो आप? हाँ। तो बाबा यहाँ पूरा महादेव मंदिर की मान्यता ज़्यादा रखते हो आप? तो दोस्तों देखो ये भाई साहब हैं, ये पूरा महादेव की मान्यता ज़्यादा रखते हैं, आप ज़्यादा मान्यता करते हो? भोले बाबा में ही आस्था, भोले बाबा में ही। मुझे भनागा का रहने वाला हूँ जी, सी चौक है वहाँ जो इसकी मान्यता है, मुझे भनागा जी जी, वहाँ सुबह उठ कर जाता हूँ 4 बजे, आरती करवाता हूँ पंडित जी करवाएगा, उसके बाद बालाजी मंदिर आरती करवाता हूँ जी, तो पूरा मानते हैं। देखो दोस्तों बड़ा अच्छा लगा इनसे, पूरे सावन अनछोड़ रखा जी, पूरे सावन अन्न नहीं खाता एक भी टाइम। अच्छा पूरे सावन अन्न नहीं खाते आप? नहीं खाता। जय भोले जय भोले जय भोले। और देखिए दोस्तों जैसे भाई साहब ने बताया पूरे सावन अन्न नहीं खाते, पूरे सावन अन्न नहीं खाते, अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं, अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं और अब ये वेट कर रहे हैं कल यहाँ जल चढ़ेगा, आज ये यहाँ पे रेस्ट करेंगे। जय भोले की जय भोले। देखिए दोस्तों ये भोले आए हुए हैं, ये बड़ी कांवड़ लेकर आए, ये भैया कहाँ से हैं आप? भोले कहाँ से? बैठा से। और यहाँ पूरा महादेव पर जल चढ़ाएंगे आप, तो यहाँ की मान्यता ज़्यादा रखते हैं?
लेकिन दोस्तों ये बेटा से हैं दिल्ली बॉर्डर से, दिल्ली बॉर्डर पट्टा बेटा, और ये यहाँ पे जल चढ़ाएंगे ये पूरा महादेव पे। यहाँ की मान्यता है, जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे जल चढ़ाना महादेव जी को ये स्वीकार है, यहाँ का जल चढ़ाना स्वीकार है जैसा लोग बताते हैं, बताया गया है यहाँ का जल चढ़ा। आप बोले कहाँ से हैं? मैं सोंदे गांव से, मोदी नगर के पास। मोदी नगर के पास से तो बोले यहाँ जल चढ़ाओगे आप जयपुरा महादेव पे, तो यहाँ की ज्यादा मानता रखते हैं आप? यहाँ की ज्यादा मानता। जय बोले की कोई आने में कोई प्रॉब्लम, कोई कष्ट कुछ नहीं हुआ? चंगा आया हूँ। देखिए ये बोले बहुत आए हैं इन पर बाबा, भोले बाबा की कृपा है, चंगा आए। नीलकंठ से 10 तारीख को उठाया था, 10 तारीख को उठाया था, यहाँ टाइम से आ गए। जय भोले की। ये भाई साहब है, आप भाई साहब आप कहाँ से? झंझेड़ी से, मोहने के पास में, झंझेड़ी गाँव। झंझेड़ी गाँव से भाई साहब आए हुए हैं और ये भी टाइम से आ चुके हैं, बिल्कुल इनको अभी कोई तकलीफ नहीं हुई आने में। और ये भाई साहब भी यहाँ मानता रखते हैं पूरा महादेव की, और बहुत यहाँ बहुत बड़ी संख्या में कांवड़िया यहाँ पे भोले, जिनको हम भोले बोलते हैं, आए हुए। देखिए दोस्तों लड़कियाँ भी हैं, लड़कियाँ भी कांवड़ लेकर जल लेकर आई है। और ये भाई खड़े तो आप कहाँ से भैया? मुजफ्फरनगर है। मुजफ्फरनगर से आप भी यहीं की मानता रखते हैं पूरा महादेव की? ये भी आएगी पूरा महादेव, पूरा महादेव की मानता रखते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जय बोलेगी भाई साहब, जय बोलेगी। देखिए दोस्तों भोले भोली यहाँ सब, यहाँ भोले बोलते हैं जो कावड़ी, हम इनको भोले बोलते हैं। यहाँ पे बड़ी संख्या में आए हुए हैं पूरा महादेव से, पूरा महादेव से। मैं रवि माँ भी आपको दिखा रहा हूँ यहाँ का। दोस्तों जो यहाँ सबसे बड़ी बात, जो सबसे अच्छा देखा जा रहा है, यहाँ पुलिस प्रशासन बहुत एक्टिव है, यहाँ पुलिस फोर्स बहुत ये हमारे योगी बाबा ने पुलिस प्रशासन को बहुत यहाँ पे तैनात किया हुआ, बहुत घनी मात्रा में पुलिस प्रशासन है। ये देखिए दोस्तों ये पुलिस चौकी पूरा महादेव, ये देखिए पुलिस चौकी पूरा महादेव मंदिर, ये देखिए दोस्तों। तो यहाँ पे पुलिस बहुत एक्टिव है, यहाँ की पुलिस बहुत एक्टिव है, बहुत घनी संख्या में पुलिस प्रशासन तैनात है यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों मंदिर पे आ चुके हैं दोस्तों, मंदिर पे मैं आ चुका हूँ और आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ भोले बाबा आए हुए हैं बड़ी संख्या में, और भोले आए हुए हैं। देखो दोस्तों ये मंदिर का मेन गेट दोस्तों, ये देखिए ये मंदिर का मेन गेट है, और यहाँ पे जल चढ़ाएंगे। यहाँ पे भोले आए हुए हैं, बड़ी संख्या में भोले आए हुए हैं, और दिल्ली तक के जो लोग हैं यहाँ जल चढ़ाएंगे, और बड़ी संख्या में आए हुए हैं। ये देखिए आप।